कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में कोहराम मचा दिया है। दूसरी लहर में न सिर्फ बेतहाशा मरीजों की वृद्धि देखी जा रही है बल्कि मौतों का आंकड़ा भी डराने लगा है। हालांकि प्रशासन प्रतिदिन 4 से 5 मौत की संख्या बता रहा है, लेकिन शहर के मुक्तिधामों में जलती चिताएं कुछ और ही बयां कर रही है। हालांकि इसमें कई संदिग्ध भी शामिल होते हैं जिनका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं शहर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती जारी है। संस्कारधानी में कोरोना महामारी ने इतना आतंक मचाया है कि जबलपुर शहर में आज की स्थिति यह है कि 946 मरीज यहां पॉजिटिव मिले हैं, जबकि हर 100 व्यक्तियों में 19 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगर हम माने प्रशासन की, तो प्रशासन बता रहा है कि 5 मौतें केवल कोरोना पॉजिटिव की हुई हैं, जबकि अगर कोरोना काल में प्रोटोकॉल में अगर 100 जलाए जा रहे हैं, शमशान घाटों में 100 जलाए जा रहे हैं, तो 52 शवों को जलाया जा रहा, जबकि प्रशासन की, देखिए आप, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन की अनदेखी देखिए कि 5 मौतें बता रहे हैं जबकि 52 शवों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जला जा रहा है। जबकि जबलपुर प्रशासन, पुलिस विभाग इतना अलर्ट है कि हर आने जाने वाले की चेकिंग कर रहा है। मैं आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पूरा स्टाफ, ये कोतवाली थाने का स्टाफ है और पूरा स्टाफ यहाँ पर चेकिंग पर लगा हुआ है और हर आने जाने वाले से सख्ती से पूछताछ की जा रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे भी प्रशासनिक कोई भी वो गाड़ी जा रही हो, मगर उससे पूछताछ की जा रही है कि आप यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि प्रशासनिक अमला तो सतर्क है, मगर जबलपुर शहर की जनता इतनी अमानवीय टाइप के व्यवहार कर रही है प्रशासन से कि यहाँ पे बिल्कुल कोरोना को बढ़ावा दिया जा रहा। हमारे चौकी प्रभारी हैं यहाँ पे राजेश पटेल जी, हम उनसे बात करते हैं कि वो उनका कहना क्या है कि ये कोरोना काल में जो चल रहा है यहाँ पे, जो लोग भाग आ जा रहे हैं, तो किस तरह से सख्ती बरती जा रही है आपके द्वारा? शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। आने जाने वालों को चेक किया जाता है, जो अकारण घूम रहे हैं उनका चालान किया जाता है, उनको अस्थायी जेल में भेजा जाता है। और आज ये 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन है जिसमें सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। सुबह से शाम तक यहाँ बलदेव बाग में चेकिंग की जा रही है। देखिए अभी हमारे राजेश पटेल जी ASI ने बताया कि किस तरह से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, मगर ये जबलपुर की जनता को मैं आपको दिखाऊं, देखिए जबलपुर की जनता देखिए कैसे खुलेआम ये आवारा तत्वों की तरह घूम रहे हैं। इनको कोरोना का डर नहीं है, ये कोरोना फैलाने में, जबलपुर शहर को बर्बाद करने में आम जनता ही यहाँ सहयोग कर रही है। मैं तो कहना चाहूँगा बिल्कुल इतना सख्त नियम होना चाहिए, मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी ये अनुरोध करूँगा कि इतना सख्त पालन होना चाहिए कि पुलिस जो पुलिस प्रशासन डंडे की भाषा बताता कहता है, वो डंडे की भाषा अगर चालू हो जाए तो जबलपुर शहर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, ऑल इंडिया से कोरोना चला जाएगा। जबलपुर शहर से मनीष एक्का के साथ मुकेश सोनी।